मगर ये आज उनने सभी तमाम साथियों को बताने का काम किया है कि संगठन जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। संगठन अगर चलता है तो वो कार्यकर्ताओं से चलता है। अगर कोई ये सोचता कि वो इस तरह इस संगठन को कमज़ोर करेगा तो एक एक कार्यकर्ता फिर प्रण लेकर उसका भी जवाब देंगे। यहाँ कुछ लोग कांग्रेसी बोलने की बात कर रहे थे, मेरे को लगता है खुद डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में बोला कि आज 40-40 सालों से जो लोग अपने खून पसीने के साथ पार्टी को सींचने का काम कर रहे, कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा लोग इस प्रयास में हैं कि ये संगठन टूटे, ये संगठन खत्म हो। चौधरी देवीलाल जी ने तो पहला चुनाव, चौटाला साहब ने तो पहला चुनाव कांग्रेस से जीता था, उसके बाद एक विचारधारा कांग्रेस से अलग होकर निकली जिसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल था, और उस इंडियन नेशनल लोकदल को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी अपने पसीने से बराबर सींचने का काम किया। और अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल पर कोई आँच आएगी तो फिर तमाम संगठन से जुड़े साथी, तमाम कार्यकर्ता मिलकर इसका फैसला जींद की धरती पर लेंगे कि अगला कदम, अगला निर्णय क्या होना चाहिए। पर मैं विश्वास के साथ आपको दिला देता हूँ, जो चौटाला साहब ने मेरे और दिग्विजय के लिए आदेश दिया है, हम दोनों भाई उस आदेश का स्वागत करते हैं, चौटाला साहब का सम्मान करते हैं।